वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद साइंस प्रेपरेशन फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन. सो माय नेक्स्ट टॉपिक इज डीकंपोजिशन रिएक्शंस. अब हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किए और उसके नेम से ही उसकी डेफिनेशन भी बनाई. ऐसे ही हम डीकंपोजिशन रिएक्शंस के नेम से ही उसकी डेफिनेशन बना लेंगे. डीकंपोज मींस टू ब्रेक डाउन इनटू सिंपलर प्रोडक्ट्स. So decomposition reactions are defined as those reactions in which one reactant breaks up into, decomposes into two or more simpler products. तो इसकी अगर हमें एक general equation लिखनी हो तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे. If there is a compound XY, हमने इसे decompose किया. After decomposition it will form two or more simpler products. राइट. अब डीकंपोजिशन हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन डू बाय थ्री मेथड्स. वन, थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, फोटो डीकंपोजिशन और फोटोलिटिक डीकंपोजिशन. जिन रिएक्शंस में हम रिएक्टेंट्स को हीट को सब्जेक्ट करें, इफ वी सब्जेक्ट द रिएक्टेंट टू हीट देन इट डीकंपोजेस, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे थर्मल डीकंपोजिशन. अगर हमने रिएक्टेंट को इलेक्ट्रिसिटी से सब्जेक्ट किया तो डिकम्पोजिशन के बाद हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन. यदि हमने उस किसी सब्सटेंस को लाइट या सनलाइट में प्लेस किया और वो डिकम्पोज हो गया, सच अ रिएक्शन विल बी कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन. तो आइए अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे. इसका पहला एग्जाम्पल है डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. अब फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स होते हैं और जैसे ही हम इन्हें हीट करें, लैब में आप कभी देखिएगा, जैसे ही आप इन्हें हीट करेंगे दे विल टर्न रेडिश ब्राउन. जैसे रस्ट का कलर होता है ना, फेरिक ऑक्साइड की वजह से वो रेडिश ब्राउन चेंज हो जाएंगे एंड यू विल स्मेल द गैस ऑफ बर्निंग सल्फर. वो स्मेल किस लिए आती है? बिकॉज इट ब्रेक्स अप इनटू फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. अब इस रिएक्शन में से जो बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह हैं. फर्स्ट, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन व्हेन यू हीट फेरस सल्फेट और व्हेन यू डिकम्पोज फेरस सल्फेट. अब जब हमें ऑब्जर्वेशन पूछी जाए तो हम लैब की ऑब्जर्वेशन बताएंगे. जब आपने उसको हीट किया आपने क्या देखा? ऑब्जर्वेशन, दो ऑब्जर्वेशंस हैं. वन, द ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल्स चेंज इनटू रेडिश ब्राउन क्रिस्टल्स. सेकंड ऑब्जर्वेशन, स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर. राइट, ये ऑब्जर्वेशंस हो गई. अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स. अब बैलेंसिंग कर लीजिए फटाफट. सो लुकिंग एट द इक्वेशन, इफ आई पुट अ टू देयर माई इक्वेशन इज बैलेंस्ड. सी Fe2N2, oxygen 8, right? sulfur 2, right? Everything is balanced. और इसका एक और तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सपोजिंग आपको इक्वेशन दी हो तो वो पूछेंगे आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन. तो टाइप इज थर्मल डिकम्पोजिशन. यदि आप सिर्फ डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी लिखोगे तब भी ठीक है, बट इफ यू राइट थर्मल डिकम्पोजिशन दैट विल गिव अ बेटर इंपैक्ट ऑफ योर नॉलेज. ओके, ऑलराइट. सो दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल. नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम थर्मली डीकम्पोज करेंगे यानी हम उसे हीट करेंगे तो वो थर्मली डीकम्पोज हो जाएगा और इट विल गिव अस टू प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट. अब वो दो प्रोडक्ट क्या है? क्विक लाइम, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी लिबरेटेड. नाउ कैन यू सी, ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. कैल्शियम, और ये इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं. कैल्शियम इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड, राइट, कार्बन इज बैलेंस्ड. दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन. सो आई कैन से दैट कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम है लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट किसका फॉर्मूला है? मार्बल का. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, द शाइन ऑफ द वॉल्स, द शाइनिंग अपियरेंस ऑफ द वॉल्स, कैल्शियम कार्बोनेट. सो कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, मार्बल,
जब हम इसे थर्मली डीकम्पोज करते हैं तो हमें देता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हम साइंस में कुछ भी पढ़ते हैं उसकी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस रहती है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल स्केल लेवल पे, इट इज यूज्ड इन द सीमेंट इंडस्ट्री। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड एग्जांपल, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये भी एनसीईआरटी के सिलेबस का एक हिस्सा है। अब लेड नाइट्रेट इट्स व्हाइट कलर्ड, अगर हम इसे लैब में देखें तो व्हाइट कलर्ड का आपको सब्सटेंस दिखेगा। इसे अगर हमने हीट किया टेस्ट ट्यूब में तो वो कुछ येलो कलर का सब्सटेंस बना देता है और साथ में ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे, बट उन फ्यूम्स के साथ साथ आपको उन फ्यूम्स की क्रैकलिंग साउंड सुनाई देगी। दैट क्रैकलिंग साउंड इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ अ गैस कॉल्ड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। उसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। ऑक्सीजन गैस का क्या टेस्ट है, इफ यू ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंट, एक माचिस की दीली आप उसके ऊपर लेके जाएंगे तो इट ग्लोज एंड कंटिन्यूज टू बर्न जब तक वो गैस इवॉल्व होनी बंद ना हो जाए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस, ब्राउन कलर्ड फ्यूम्स, क्रैकलिंग साउंड एंड लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस, लेड ऑक्साइड येलो कलर्ड सब्सटेंस, इट्स सॉलिड गैस एंड गैस। आइए हम इसे फटाफट बैलेंस कर लें। टू, इफ आई पुट अ टू देयर, टू एंड फोर, माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड। तो हम कह सकते हैं कि लेड नाइट्रेट थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं। इस इक्वेशन में हमें कितने सिंपलर सब्सटेंसेस मिले, थ्री, वन टू थ्री। तो आइए अब चलते हैं एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वॉटर। तो स्टूडेंट्स, ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी बुक में है, इट इज इन योर सिलेबस और बहुत बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आता है। अगर हम वॉटर को इलेक्ट्रिसिटी को सब्जेक्ट करें और इफ वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वॉटर, वॉट वी विल ऑब्जर्व दैट इट ब्रेक्स डाउन इंटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट सेटअप किया तो उसमें दो इलेक्ट्रोड सेटअप किए, कैथोड एंड एनोड। नाउ कैथोड विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड विच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब व्हाट विल हैपन, वन गैस विल रश टुवर्ड्स कैथोड एंड द अदर गैस विल रश टुवर्ड्स द एनोड। तो जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन्स होंगे, दे विल रन, एनायंस विल रन टुवर्ड्स एनोड। सो दैट मींस ऑक्सीजन गैस जो कलेक्ट होगी वो एनोड में कलेक्ट होगी और हाइड्रोजन गैस जो कलेक्ट होगी दैट विल बी एट कैथोड। अब इस पे बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दैट व्हाई इज द गैस एट वन इलेक्ट्रोड डबल देन द अदर। एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस कलेक्ट हो रही है वो दूसरे से डबल क्यों है। उसका बहुत सिंपल सा आंसर है, वॉटर इज मेड अप ऑफ टू पार्ट हाइड्रोजन एंड वन पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, तो वन इज डबल देन द अदर। सो ऑब्वियसली जो गैस कलेक्ट होगी वो भी इलेक्ट्रोलिसिस के बाद डबल होगी एज कंपेयर टू द अदर। तो आइए अब हम इसे बैलेंस कर लेते हैं। सो लेट अस क्विकली बैलेंस। नाउ इफ आई पुट अ टू, ऑक्सीजन गेट्स बैलेंस्ड बट हाइड्रोजन गेट्स इम्बैलेंस्ड, सो आई पुट अ टू देयर, माय हाइड्रोजन इज ऑल्सो बैलेंस्ड। तो आई कैन से इस एक्सपेरिमेंट में वॉटर गॉट इलेक्ट्रोलिटिकली डिकम्पोज इंटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हम मोल्टन लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड एक सब्सटेंस है, हमने उसको पहले मेल्ट किया, अब हमने उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया, तो हम क्या ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोड एनोड है, एनोड यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसकी तरफ ब्राउन कलर की गैस लिबरेट हो रही है विच इज ब्रोमीन गैस, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड है कैथोड उसके पास हमने देखा लेड डिपॉजिट हो रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन के।
इफ वी टेक सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड एक व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, हमने उसको एक चाइना डिश में लिया और सन में एक्सपोज कर दिया, तो जैसे ही हमने उसको सन में एक्सपोज किया हम क्या नोटिस करेंगे कि वो व्हाइट कलर से सिल्वर ग्रे कलर का बन जाता है। वो सिल्वर ग्रे क्यों बनता है? क्योंकि वो सिल्वर बन जाता है। सिल्वर का कलर तो आप सबने ही देखा है, सिल्वर इज ग्रे इन कलर। तो जो ओरिजिनली व्हाइट था सब्सटेंस वो ग्रे हो गया और साथ में पिक्यूलियर सी स्मेल आई गैस की, वो कौन सी गैस थी? क्लोरीन। अब कुछ इसी तरह का रिएक्शन होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हमने सनलाइट में रखा तो वो भी सिल्वर और ब्रोमीन गैस लिबरेट करेगा, जो कि एक ब्राउन कलर की गैस है। ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ग्रे इन कलर। नाउ लेट अस क्विकली बैलेंस दीज इक्वेशंस। सो आई कैन बैलेंस, ये बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन और ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो अब आइए इसकी इंपॉर्टेंस देखें, इसकी साइंटिफिक इंपॉर्टेंस क्या है। दीज रिएक्शंस, ये दोनों रिएक्शंस कहां यूज होते हैं? ये यूज होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ठीक है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए विच इज द रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, आप ये रिएक्शंस लिखेंगे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, आप कहेंगे फोटो डीकम्पोजिशन। अगर आप फोटो डीकम्पोजिशन लिखेंगे दैट इज अ क्लोजर आंसर। डीकम्पोजिशन लिखा भी ठीक है लेकिन फोटो डिकम्पोजिशन लिखोगे वो आपका आंसर और भी क्लोज आ जाता है। सो विद दिस वी एंड द थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। नाउ आई विल इंट्रोड्यूस अ स्मॉल टर्म दैट इज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक, हम देख रहे हैं कि इन सभी रिएक्शंस में हमने किसी ना किसी तरह की एनर्जी सप्लाई की, एमिट नहीं हुई, सप्लाई की। नाउ दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड फॉर द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो हम कह सकते हैं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि हमने इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी और लाइट एनर्जी सप्लाई की। वी हैव द रिएक्शंस हैव absorbed this energy, so they are called endothermic reactions in contrast to exothermic reactions. हमने अपने पिछले सेशन में किया था exothermic combination reactions के साथ, ये उसके बिल्कुल contrast में है। So this with this children I rest my video for today. So thank you very much and have a nice day.